भैया रो राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली, हम है राजेंद्र त्रिवेदी। जो तो कि हमने बताओ तो कि 10 मिनट बाद आपका लाइव प्रस्तुति जहाँ हम दे रहे आकाशवाणी तिराहा से, वही बजरंग सेना को जो प्रदर्शन चल रहा है, बजरंग सेना माफ करियो भैया, बजरंग सेना के खिलाफ, रणवीर पटेरिया के खिलाफ ज्ञापन देवे जो रहे जा रहे हैं एसपी साहब के थे, सिविल लाइन थाना प्रभारी पुष्पेंद्र मिश्रा जी भैया बड़ी अपने ड्यूटी निभा रहे, दल बल के साथ के कोनो की ऐसी बात ना हो, पुलिस व्यवस्था अच्छी है, सुचारू पुलिस व्यवस्था करी गई, में कोनो दो राय नहीं है। अब देखो जो है पूरा समूह ये सब इनके नेता पदाधिकारी जितने हैं अधिकारी सब संगठन ही में, बहुत संगठन है, एक संगठन नहीं है, बहुत से संगठन है। और जिस सब जने आए हैं एसपी सचिन शर्मा जी का ज्ञापन देवे के लाने कि जो अन्याय हो रहा है प्रियंका पटेरिया के संगे, वो अन्याय को बंद करो जाए, नीचा न्याय मिले, प्रियंका पटेरिया का न्याय मिलवे के लाने के न्याय मिलो चाहिए, ये ज्ञापन देवे जा रहे हैं एसपी सचिन शर्मा जी के पास में। ये मैं भैया बंबई से पधारे जो पहले बजरंग सेना के सचिव हते, राष्ट्रीय सचिव हते, वे हैं भैया नितिन उपाध्याय, बंबई से वे पधारे हैं। दीपक दीक्षित हनुमान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दीपक दीक्षित पधारे हैं झांसी से, हनुमान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक बहन हमारी जो पधारी हैं राजस्थान से, प्रियंका जिनके संगे हैं। तो जिस सभी जने आए हैं प्रियंका की मदद के लाने के, प्रियंका का मदद मिलो चाहिए, प्रियंका का न्याय मिलो चाहिए। आज हम आप लोगों का लाइव प्रस्तुति के माध्यम से जो सब दिखवा रहे हैं कि मैं नितिन उपाध्याय उनकी भी विशेष भूमिका है, उन्हें सब कुछ त्याग के और जो घटना घटित भई है ला कैपिटल होटल में, उनके विरोध में उनको विरोध करवे के लाने और प्रियंका पटेरिया का न्याय दिलवावे के लाने, ये सब जगह अलग अलग जगह से आए हैं। दीपक भैया, दीपक दीक्षित हनुमान सेना के जो संस्थापक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नितिन उपाध्याय जी बंबई महाराष्ट्र से पधारे हैं, पूरी हस्ती भैया अलग अलग संगठन के, और हम उनसे बात भी कर भी भैया है किसान संगठन के पूरा समर्थन इनने अभी जैसो आपने देखो, उनसे भी हम बात कर भी, आप लोगों ने कहा उनसे भी बात करके हम दिखा भी, इनके भी विचार जान भी, उन्हें समर्थन दाओ है, खुल के समर्थन दाओ है। तो जो आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन हो जा रहा है, वो आंदोलन की रूपरेखा बन चुकी है, एसपी ऑफिस में अब ये लोग आ चुके हैं न्याय के लाने, एसपी साहब के तेने जाने हैं, एसपी साहब के जाने हैं भैया आवेदन देवे, तो इसे इन्हें रोको को है कि आ जाओ आगे कहाँ जा रहे हैं, अब जी आ गए हैं। देखो आप कैसे लाइव प्रस्तुति है, लाइव प्रस्तुति के माध्यम से देखो पुलिस को पूरी मुस्तैदी से इंतजाम करो गए है, कोनो घटना ऐसी न घटे, ज्ञापन दो जाए शांति पूर्वक विरोध, सब नेता आए हैं भैया, सब नेता पढ़ा चुके हैं, कई संगठन के नेता ही हैं, खासतौर से विशेष तौर से जी हैं सब लोग हैं। अब देखो जब लाइव प्रस्तुति के माध्यम से आप लोग दीदी के सम्मान में ज्ञापन के लिए इन्हीं स्टेप जो है बहुत सही है सर, हमको नहीं पता था इसलिए आगे बढ़े जा रहे हैं, सिर्फ ज्ञापन देने नहीं है, बात कर लीजिएगा ना, बोलने के लिए मुंह भी तो है, बोल लीजिएगा, बिल्कुल बोल रहे हैं सबके पास होता है, बोल लीजिएगा आइए बात। सर इनके पति हैं रणवीर पटेरिया और उन्होंने बिना तलाक दिए दूसरी शादी की है, एक बच्ची भी पैदा की है, इनका अफवाह उड़ा रहा है कि कोर्ट में केस है, ऐसा कुछ केस नहीं है, अभी एक महीना पहले तलाक का नोटिस दिया है।
आज तक ये आप लोगों के पास आती थी, ये पुलिस यही बोलती है कि पेपर दिखाओ कि दूसरी शादी हुई है उसका प्रूफ चाहिए, तो अभी इनके पास प्रूफ भी है और इन्होंने आवेदन भी दिया है, तो निवेदन है कि उसके खिलाफ 420 का और जो भी केसेस बनते हैं उस पर FIR दर्ज करें। ऑलरेडी वो अरेस्टेड है, कल इनको बुलाया था और बुला के इनके साथ अवस्था की। मैं धन्यवाद करूँगा कि आप लोगों ने FIR भी लिया और उसको अरेस्ट भी किया, सिविल लाइन थाने में है, तो ये भी एक FIR ली जाए और इनको न्याय दिलाया जाए। दूसरा कुछ नहीं है, दूसरी एक महिला है जो कि रानी राजावट करके हैं महोबा की, इनके पति BSF में है, इनकी FIR हो चुकी है 498 की, लेकिन इनका दर्द ये है कि इनको एक बच्ची पैदा हुई, इसके कारण लड़की बिना तलाक दिए उसने भी दूसरी शादी की, तो सेम केसेस हैं सर दोनों, तो दोनों को सेम न्याय मिले। और तीसरा निवेदन है कि कल मैंने खुद आपके ऑफिस में आके एक लेटर दिया था और बाई पोस्ट भी भेजे थे कि हम लोगों के साथ जो रणवीर पटेल ने ठगी की है 420 की, हमको गुमराह किया है, और उसके पहले सचिन सिंह और राजस्थान के आनंद सावन हमसे जो पैसा वसूला है एक संगठन और धर्म के नाम पे, उसका एक बजरंग सेना करके संगठन है जो कि संगठन है ही नहीं है, एक सोसाइटी है, और उसने सबको हमको यही बताया कि इसमें महंत नृत्यगोपाल दास जी ट्रस्टी हैं, अध्यक्ष हैं, तो हमने महंत जी के नाम पर और हिंदुत्व के नाम पर कोरोना काल के नाम पर लाखों रुपया दिए, और बाद में जब पेपर मांगा और पता चला तो ऐसा कोई संगठन है ही नहीं रजिस्टर्ड, और एक सिंपल सोसाइटी है वो जो कि एक टाउन में ही काम करती थी, तो उसने जो हमारे साथ धोखा किया है उसको मैंने आपको कल लेटर दिया था, पोस्ट से भी भेजा था, तो मेरी भी सर FIR दी है, बस इतना ही निवेदन। बहुत बड़ी समस्या है कि दोनों बहनों के भरण पोषण की समस्या है, जब से इन्होंने छोड़ा है लोगों की बच्चों तो कहीं भी प्रशासनिक रूप से कोई मदद नहीं कई जगह प्रयास की, सबसे बड़ा मुद्दा है कि वो अभी वर्तमान में आगे तो जिस घर में रहती थी वो घर भेज दिया, और जो घर इनका है रणवीर पटेरिया के नाम पे है उसमें वो औरत को लेके रहता है, तो इनको सर घर दिया जाए, ये कहाँ रोड पे थोड़ी रहेगी, हमको भी धमकी दिया उसने कि छतरपुर में नहीं आना, लेकिन आप लोगों पे विश्वास करके हम लोग आए हैं मुंबई से, मुझे धमकी दी गई कि छतरपुर में पैर नहीं रखना, रिकॉर्डिंग भी हमारे पास, सीधे फोन करके धमकी दी कि अगर तुम छतरपुर आई तो ये याद रखना कि तुम भी महिला हो, श्रीदेव के ऊपर फेसबुक पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि दूसरे मर्दों के साथ घूमती है, ठीक है, उसको भी गिरफ्तार कर दिया गया है, और ये जो भी आपके हैं उनको भी हम उसमें इंक्लूड कर लेंगे, आप आदेश करिए, मैं सिविल लाइन जाता हूँ, वही थाना लगता है उनका, मेरा भी कंप्लेन ले लेना, मेरा लेटर पहुँच चुका है सिविल लाइन आपके पास भी, साहब हम लोग का वेट है, जो भी जांच होगी जांच के आधार पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, हम लोग सर बाहर से आए हैं, हमारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लीजिए, आप आराम से जांच करिए, मैं ये नहीं बोलता कि आप आज ही, हमने लगाए हैं कागज, सरकारी कागज बने हुए हैं वो देख लीजिए, हम ठीक है ये इसको हम इंक्लूड कर लेंगे जी, और SP सर अभी है नहीं और उनको बता के हम लोग जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, आप बताइए, मैं सर रुका हूँ एक दिन दो दिन, लेकिन यहाँ रुकने में ये है सर, एक यहाँ रुकने में प्रॉब्लम है कि ये राजस्थान से आई हैं, मैं महाराष्ट्र से हूँ बुंदेलखंड का, लेकिन यहाँ हम लोग सेफ नहीं हैं, दस स्टेट से लोग आए हैं, तो पुलिस है अपना काम कर रही है, हाँ बराबर है, तो हमारा सिंपल है कि हमारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया जाए, आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके इंक्वायरी करिए, आपको अगर लगता है कि हाँ इसने किया है तो आप FIR ले लीजिए, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, एकदम सर लीगली निवेदन कर रहे हैं कि हमारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा लीजिए, क्योंकि ये देखिए राजस्थान से रोज नहीं आएंगी, आएंगी तो ये फिर फेसबुक पे लिखेंगे छतरपुर गई है मिलने के लिए, इनके घर में तो सर कोई है ही नहीं है, दूसरी महिलाओं पे लांछन लगाने के अलावा काम नहीं है, मैं सर बम्बई में रहता हूँ, अपना नौकरी पानी करता हूँ, दो पैसा कमाता हूँ, तो मैं भी रोज़ नहीं आ पाऊँगा, वो एक आनंद सावण जी आए हैं उन्होंने भी कंप्लेन की है, सचिन सिंह आया है बनारस से, तो हमारा ना स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड करवा लो, बाकी आप इन्वेस्टिगेट करके प्रॉपर तरीके से, बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं, ये आनंद सावण आए हैं राजस्थान से, इनकी भी कंप्लेन आपके पास पहुँच चुकी है सर, बहुत सारे 15 दिन एक ही व्यक्ति के खिलाफ शिकायत, तो माननीय उनसे जो TI साहब हैं हमारा स्टेटमेंट ले लें, आराम से आप देखिए आप विदाउट इंक्वायरी किए FIR नहीं लेंगे, तो आप इंक्वायरी कर लीजिए, आपको लगे FIR लीजिए, ठीक है ठीक है, इस पर जांच कर लेंगे, जो भी उसका हम कितने दिन हो गए भाई बिना स्टेटमेंट के, हमको नोटिस दे दिया जाएगा ना, नोटिस दे दिया।
बम्बई से मैं आऊँगा दोबारा। आप आवेदन दे रहे हैं? आवेदन तो मैंने कल साहब को दिया, साहब ने रिफर किया। एक चीज बताऊं, ये महिला अकेले अगर सुरक्षित है तो आप लोगों के कारण ही है, नहीं तो कब का भगा दिया। गाइड पानी तो पहले ही काट चुका है, तो वो नहीं बोल रहा मैं, लेकिन हमारा खाली स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाए, बार बार आने का झंझट। भरोसा करके छतरपुर तक आ पाए हैं, नहीं तो हमें तो दतिया में ही धमकी मिलनी शुरू हो गई थी। आप मिल लीजिए साहब से, रिक्वेस्ट कर लीजिए। कार्यवाही के लिए आगे क्या होगा इसमें, तो आप आश्वासन दे सकते हैं हम लोग? इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी सारी चीज़ें इसके हिसाब से हमको मिले। सर अभी बाहर है, हम लोग प्रतीक्षा करें, अभी तो उनको टाइम लगेगा। आप जब भी आप कल के लिए अगर आज आ जाते हैं तो आज सर कोई बता घंटा और का। देखिए राजा हैं वो यहाँ के और हम प्रजा हैं, मिल के राजा से मिलने का अधिकार है हमारा। आपको जब भी आपको मिलना है आप, ठीक है तो हम लोग रुकते हैं, अच्छा कर लेते हैं जब आ जाएंगे। बैठो भैया, चलो भाई साइड में बैठ जाओ। और कसू भैया एसपी ऑफिस ये लोग आए हैं ज्ञापन देवे के लाने, हालांकि एसपी सचिन शर्मा इतने उपलब्ध नहीं है, कहाँ गए, कोनो काम से गए का है जो जानकारी तो नहीं है। सीएसपी लोकेंद्र सिंह का ज्ञापन सौंपो गए है। अब हनुमान सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक दीक्षित थे, उनसे हम जानकारी कर भी, उनसे ये मामला का हम समझ भी कि आपका का आश्वासन मिलो है। तो हनुमान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो झांसी से आए हैं, उनके संगे किसान यूनियन को भी भैया पूरा समर्थन है, पूरे बुंदेलखंड में यूनियन उनकी भी है, किसान है। हम एक एक मेहमान को परिचय करा भी आप लोगों का, चूंकि मामला बड़ो है, गंभीर है। अब जो मामला इतना बढ़ चुको है कि कई संगठन आए हैं, और वो संगठन के जो कर्ता धर्ता हैं, जो संयोजक हैं, भैया इनमें दो आदमी की मुख्य भूमिका है। वैसे तो सभी जनन को आभार व्यक्त करे, छतरपुर की पूरी जनता, पूरा शहर आपको आभार व्यक्त कर रहा हूँ। बंधन है, अभिनंदन है, स्वागत है आप लोगों को। कि राजस्थान से आओ है, को महाराष्ट्र से आओ, को दिल्ली से आओ है, को कहूँ से आओ भैया, हर जगह से जो लोग आए हैं, और धिक्कार है, जो भी हमें धिक्कार है कि हम अपनी बहन का न्याय देवे आवे में कामयाब नहीं हो पा रहे, लेकिन बाहर के जो हमारे भाई हैं उनमें जरूर फौलादी का ले जाए। हम भी वीरभूम छत्रसाल में पैदा भए, लेकिन आज हम का साबित कर रहे हैं, आज हम का दिखा रहे हैं। ऊपर जावे में बहुत समय गुजर गए, अतिथि हैं, इनकी भाषा, इनकी कहानी, इनकी जुबानी कि इनके ऊपर का गुजरी है, का सोच के जो छतरपुर आए हैं, का इन्हें बर्ताव अच्छो लगो आगे की इनकी रणनीति का है। तो हनुमान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक दीक्षित जी, स्वागत है आपको सर, का क्या पूछा? बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं मैं आपके श्रोताओं को, बुंदेली चुगली का और नीरज भैया का, राजन भैया का। जैसे ही हमारे संज्ञान में मामला आया था, हमने फेसबुक के माध्यम से सबसे पहले इसके खिलाफ आवाज उठाई थी कि हिंदू धर्म में कहीं भी जायज नहीं है दो महिलाओं को एक महिला के साथ शादी करना और दूसरे को जो है दूसरे के साथ रहना। उस वीडियो के आधार पे प्रियंका बहन से हमारा परिचय हुआ, और जब मैं लाइव आया था उस समय मुझे, मैं कोई परिचय भी नहीं था हमारा प्रियंका बहन से, उस वीडियो के माध्यम से हमारा परिचय हुआ प्रियंका बहन से। उसके बाद नीरज भैया ने आवाज उठाई, सभी लोगों ने, मैं एक बार पहले भी आ चुका हूँ छतरपुर इसी मामले में, बहुत ज्ञापन होते हैं, मिलता है कि भैया हो जाएगा कर देंगे, लेकिन अब आश्वासन और ज्ञापन बहुत हो गए हैं, अब कार्रवाई चाहिए, और इसी उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं।
जब तक कार्रवाई नहीं होगी, यहाँ से हटेंगे नहीं, तभी जाएंगे जब कार्रवाई होगी। हमारा पूरी हमारी सेना, हमारे जो भी भाई आए हैं, सभी भाई बहनों से और छतरपुर वासियों से आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि ये संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, यहाँ पे कम नहीं होनी चाहिए। अधिक से अधिक लोग यहाँ पर आने का कष्ट करें। प्रियंका बहन को न्याय दिलाने के लिए आप लोग एकत्र होइए और रानी राजावत जी, प्रियंका बहन जी को न्याय दिला करके ही हम लोग यहाँ से हटेंगे। तो भैया जय हुंकार भरी हनुमान सेना ने। और हनुमान सेना एक ऐसी सेना तैयार भई है कि इस पूरे राष्ट्र में लगभग पूरे भारत में लगभग हो चुकी है, पूरे भारत में है। सभी राज्यों से हमारे धर्म के प्रचार हेतु भगवा रैली के कार्यक्रम हो रहे हैं और आप जुड़े हुए हैं, काफ़ी समय से आप देखते रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। हनुमान सेना निरंतर बहन बेटियों के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही है, धर्म के लिए। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, हमारा संगठन गैर राजनीतिक है, किसी भी राजनीतिक पार्टी का हम समर्थन नहीं करते हैं। हम कट्टर हिंदू आदि संगठन है, गैर राजनीतिक हैं। हम शोषितों को, वंचितों को, जो शासनिक प्रशासनिक रूप से प्रताड़ित हैं, उनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए हम आगे आ रहे हैं। तो भैया जो है देखो साफ के वो है, स्पष्ट है, संदेश भी हो प्रशासन के नाम पे भी है। एक प्रश्न जरूर खड़े हो रहा, छतरपुर DIG विवेक राज सिंह बहुत सुलझे भाई सज्जन और ईमानदार अधिकारी। दूसरे नंबर पे आ रहे हमारे सचिन शर्मा SP छतरपुर, इनको भी नाम अच्छे अधिकारियों में, ईमानदार अधिकारियों में है। इनके तीसरे नंबर पे एडिशनल SP विक्रम सिंह जी, वे भी अच्छी ईमानदारी के लाने जाने सुलझे भाई आदमी। स्टाफ सब सही है तो लापरवाही कहाँ हो रही, कार्रवाई का ही नहीं हो रही, प्रश्न चिन्ह इतने लड़ रहे, का दबाव है पुलिस के ऊपर, का पुलिस के ऊपर जो दबाव है कि FIR दर्ज ना हो चाहिए। क्या प्रियंका काफी दिन से घूम रही, बहुत दिन हो गए प्रियंका खान न्याय की मांग करत करत। हनुमान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार दीपक जी थे, आ भी चुके हैं, जैसे उन्होंने बताओ, हमने खबर चलाई थी। अब भैया किसान यूनियन के नेता हैं हमारे संघ, हम एक एक पदाधिकारी उनको परिचय करा भी, भैया सबकी बात सुनवा भी हम। भैया आप अपने परिचय दो। मेरा नाम राजा मनीष तिवारी है, मैं बुंदेलखंड किसान यूनियन युवा विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जैसे ही हमें संज्ञान में बात पता चली, हम पूरे बुंदेलखंड में संगठन चलाते हैं, किसानों की सेवा करते हैं, और हमें जब पता चला तो हमें बड़ा दुख हुआ कि पूरे छतरपुर के लोग जो यहाँ रहते हैं, अगर किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा होता है तो लोग मोहल्ले के लोग निकल आते हैं, शहर के लोग निकल आते हैं, लेकिन ये एक जो है क्या कहते हैं दुखद रहा कि यहाँ के लोगों ने इस बहन के न्याय की आवाज़ नहीं उठाई। वो बहन अकेले कागज़ लेकर दौड़ती रही, उसे ये साबित करने में इतना वक्त लग गया कि मैं इसकी पत्नी हूँ। तो हम लोग आज यहाँ आए हैं और हमारा ये प्रण है कि जब तक रणवीर पटेरिया जैसे लोगों पर, एक और मामला आया है नौगांव से, उन दोनों बहनों को जब तक न्याय नहीं मिलता है, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम आपके माध्यम से प्रशासन को, यहाँ की जनता को बता देते हैं, देना चाहते हैं कि आप भले चूड़ियाँ पहनकर बैठे रहें, छतरपुर की जनता या आसपास के लोग चूड़ियाँ पहनकर बैठे रहें, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी है तो हम 2 से 10 हजार किसानों को लेकर पूरे छतरपुर का घेराव करेंगे और कार्रवाई के लिए प्रशासन को बाध्य करेंगे। अगर न्याय देने में प्रशासन सक्षम नहीं है तो प्रशासन पर हम दबाव बनाएंगे और न्याय दिलाकर ही यहाँ से वापस जाएंगे। भैया जो है शंखनाद हो चुका है और अच्छी तरीका से भाव है, अभी में औपचारिकता नहीं है कि औपचारिकता निभाने हैं, ज्ञापन देने हो, अपने अपने रास्ता लेने हैं, नहीं, कार्रवाई को इंतजार है कि कार्रवाई हो रही तो क्या हो रही, आपका चुके वो चाहिए मामला। मैं बुंदेलखंड से ही हूँ और बांदा जिले से आया हूँ, नितिन कुमार उपाध्याय जी का छोटा भाई हूँ। मेरा नाम नवीन उपाध्याय है और मैं भी बजरंग सेना का मंडल अध्यक्ष रहा हूँ। ये हमको गुमराह करता था कि चंदा दीजिए और मैं अविवाहित हूँ, ये हमारे तिवारी जी हैं, राममोहन तिवारी जी, ये भी जुड़े रहे, हम लोगों को सबको ये बताता था कि मेरी शादी नहीं हुई है, मैं अभी जनसेवा कर रहा हूँ, हमारे घर गया, इसने खाना खाया, बैठा, हम लोगों ने इसका सम्मान किया, प्राचीन हनुमान मंदिर पुंगरी में है, वहाँ पे इसका सम्मान किया और खिलाया पिलाया। ये बोला कि अभी तो हमारा संघर्ष करने का टाइम है, और बाद में जब हमको धीरे मालूम चला कि ये ऐसा कर रहा है, तो बताइए आज ये अपने घर में कर रहा है, कल दूसरे के यहाँ करेगा, दूसरी की बहन बेटी को छेड़ेगा, तब आप लोग क्या करेंगे।
आज आप उसके संघर्ष में एक प्रियंका बहन के समर्थन में नहीं उतरेंगे तो कल के दिन क्या करेंगे? ये आपके घर में भी यही चीज करेगा जाके, और आप लोग क्या करेंगे? इसको धर्म सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र मान रहे हैं और फेसबुक के माध्यम से हमारी गाली गलौज कर रहा है कि छतरपुर में आ जाओ, तो हम भी बांदा जिले के हैं, इसको क्या कर सकते हैं? वो मैं इस चैनल के माध्यम से ना गाली देना चाहता हूँ और ना बताना चाहता हूँ। हम इसको क्या कर सकते हैं ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। जब हम बांदा से छतरपुर आ सकते हैं तो इसकी ऐसी की तैसी कर सकते हैं। और ये अपने आप को जो बड़ा हीरो समझ रहा है ना, अगर ये देखिए अपने दरवाजे का कुत्ता शेर होता है, आप मानते हैं ना त्रिवेदी जी? ये बताइए कि आप अपने दरवाजे में कुत्ता भी एक शेर होता है, और एक कुत्ते का काम क्या होता है? भौंकना। ये भौंकता है खाली और हम लोगों को डराता है। हमारी ही थाली हमारा ही नमक खाया और हमारे ही साथ कंजड़ भी ऐसा नहीं करता है कि नहीं? नमक खा के किसी का नमक हरामी नहीं करता, और ये नमक हरामी कर रहा है हमारे साथ में और हमको धमकी दे रहा है। जब लड़ाई अब अंतिम चरण तक लड़ी जाएगी, जब तक हमारी सांस रहेगी तब तक हम लोग लड़ेंगे, चाहे इसके लिए अपनी लास्ट स्थिति अपनी जान गंवानी पड़े, लेकिन हम न्याय दिलाकर जाएंगे। तो भैया जो शंखनाद है, जैसे कि नितिन उपाध्याय के छोटे भैया नवीन उपाध्याय, ये बता चुके हकीकत का है। देखो एक एक राज हम बुंदेली चुगली को काम है, एक एक राज उखाड़ वो कोने खबरें नहीं चलाई, लेकिन बुंदेली चुगली ने चलाई है, वही मामला बढ़ो है जो आई। अब भैया जितने कार्यकर्ता है या पदाधिकारी है जो रहे हैं पूर्व में जुड़े रहे हैं बजरंग सेना से, वे लोग अधिकारी है, आप अपनों परिचय खुद ही जी। मैं बजरंग सेना का आईटी सेल का जिलाध्यक्ष था बांदा। शुभ नाम जी। अब हम लोगों ने राम मोहन तिवारी पुंगरी से बिलोंग करते हैं, और हम यही चाहते हैं कि प्रियंका जी के सम्मान में और हिंदू सेना मैदान में सारे नगरवासियों को मैं यही कहना चाहता हूं कि सब लोग निकलें और उनका उनके सम्मान में मैदान में उतरें और हम लोगों का साथ दें। तो भैया संदेश एक ही है, एक ही कहानी है कि सब लोग निकरो संगे निकरो, सब जने एक दूसरे को साथ दो, जब प्रियंका का न्याय मिले। तो अब हम जब प्रस्तुति समाप्त कर रहे हैं, फिर हम कोनो खबर लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर होगी। तब तक के लाने भैया सब जन का मई राम राम।